लेकर हुए विवाद में सांगली के एक व्यवसायी ने शहर के व्यापारी का अपहरण कर लिया। उसे मारपीट कर अपने साथ सांगली ले गए। इसकी जानकारी मिलते ही पत्नी ने पुलिस से शिकायत की। तुरंत मामला दर्ज कर सांगली पुलिस की मदद से व्यापारी को छुड़ाया गया। दो लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। उन्हें लेकर टीम नागपुर पहुंच गई। वाठोड़ा निवासी भूषण वसंत तन्ना अनाज की दलाली करते हैं। सांगली के ताजगांव में रहने वाले प्रवीण चौहान से उन्होंने किशमिश खरीदी थी। तन्ना ने माल तो ले लिया लेकिन 39 लाख रुपए का पेमेंट नहीं कर रहे थे। प्रवीण ने बार बार रकम की मांग की लेकिन तन्ना टाल मटोल करते रहे। 14 अगस्त की सुबह प्रवीण कुछ लोगों के साथ तन्ना के घर पहुंचा। नागपुर में प्लॉट खरीदने के बारे में बातचीत करनी है कहकर उसे गणेश टेकड़ी पुल पर ले गए। वहाँ प्रवीण ने अपनी रकम की मांग की। तन्ना ने फिर से बहाना बना दिया। प्रवीण और उसके साथी तन्ना को जबरन गाड़ी में बिठाकर सांगली ले गए। तन्ना की पत्नी श्वेता ने कई बार कॉल किया लेकिन फोन बंद था। सोमवार को आरोपियों ने श्वेता का फोन उठाया। उन्हें बताया कि वह क्राइम ब्रांच के लोग हैं। तन्ना के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की गई थी इसलिए उसे सांगली लाया गया है। श्वेता को चिंता होने लगी। बार बार कॉल करने पर प्रवीण ने बताया कि जब तक उसका पैसा नहीं मिलेगा उनके पति को छोड़ा नहीं जाएगा। मंगलवार को श्वेता ने पुलिस से शिकायत की। सीताबर्डी पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया। तुरंत सांगली के एसपी और ताजगांव पुलिस से बात कर आरोपियों का लोकेशन दिया गया। सांगली पुलिस ने प्रवीण और उसके साथी को हिरासत में लेकर तन्ना को छुड़ा लिया। सीताबर्डी थाने की एक टीम उन्हें लेने सांगली पहुंच गई है। गुरुवार को उन्हें नागपुर लाकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली जाएगी। 16 अगस्त रोजी एक महिला पुलिस स्टेशन ला हजर झाले आणि तिने सांगितलं की तिचे पती भूषण तन्ना हा बर्डी एरियामध्ये काही कामासाठी आला होता आणि त्याच्यानंतर त्याचा फोन लागत नव्हता। त्यानंतर संध्याकाळी तिला फोन आला आणि दोन इसमांनी पहिल्यांदा सांगितलं की आम्ही क्राईम ब्रांचचे पोलीस आहोत आणि तुमच्या नवऱ्याला घेऊन जात आहोत। तर त्याच्याबद्दल तिने चौकशी केली परंतु तिला काही माहिती मिळून आली नाही आणि नंतर काही वेळाने परत फोन आला की आम्ही पोलीस नाही, आम्ही तुमच्या नवऱ्याला। दुसऱ्या दिवशी फोन आला की तुमच्या नवऱ्याला सांगली जिल्हा आहे ते तासगाव आहे तिथे आम्ही आणलेलं आहे आणि नंतर त्यांनी सांगितलं की तुमच्या नवऱ्याने आमची 40 लाख रुपयाची फसवणूक केलेली आहे आणि ते पैसे आणून द्या आणि तुमच्या नवऱ्याला घेऊन जा, अशा प्रकारचा फोन कॉल तिला आला आणि बाकी डिटेल्स काही सांगितले नाही। त्यामुळे त्याचं अपहरण झालं या खात्री झाल्याने सदर महिला पोलीस स्टेशनला आली। तिच्या तक्रारीवरनं गुन्हा नोंद करण्यात आला होता। तात्काळ सीताबर्डी पोलीस स्टेशनचे API कदम आणि इतर टीम हे तात्काळ तासगाव सांगली येथे रवाना करण्यात आले होते कारण त्यांचे जे मोबाईल होते मोबाईलचे लोकेशन तासगावचं येत असल्यामुळे टीम तात्काळ रवाना झाली। त्याचप्रमाणे तासगावच्या स्थानिक पोलिसांशी व तिथल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्यात आला। लोकेशनप्रमाणे मग त्याच्यानंतर त्यांना ताब्यात घेण्यात आलेलं आहे। आमची टीम त्या ठिकाणी पोहोचलेली आहे व त्यांना ताब्यात घेऊन आत्ताच पोलीस स्टेशनला हजर झालेली आहे। पुढचा तपास करून आम्ही पुढची योग्य ती कायदेशीर कारवाई करू। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी BCN News नागपूर।